हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे कुछ ड्रेसेस मुझे रिसीव हुए हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस अच्छे लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको तो मालूम है ना कि मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली से कोई भी बात छुपाना अच्छी बात नहीं होती। और इसके अलावा जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं मेरी शॉपिंग से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने 4 शर्ट्स मंगवाई हैं, कुर्ती, फ्रॉक, पेपलम, कुछ भी कह लें आप, वो मैंने मंगवाई हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे फेस पे कुछ पिंपल आ गए हैं। ये देखें, यहाँ वाला पिंपल तो मतलब गायब हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया है। ये भी ना बिन बुलाए मेहमान होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना पहला ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पहला ड्रेस, मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम इसकी स्लीव्स चेक करते हैं माशाल्लाह से। ये देखें, पूरा इस पर थ्रेड और तिल्ला और उसके अलावा मिरर एम्ब्रॉयडरी है। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी लेस भी देखें कितनी प्यारी है। और इसका गला आप चेक करें, ये देखें अच्छा लग रहा है ना। ओ माय गॉड, कितना प्यारा लगा है। ओ माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है। इसको पहन के तो मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली हूँ। और उसके अलावा ये देखें, ये पेपलम फ्रॉक है, ये देखें। और नीचे से भी देखें इसका दामन, इसका घेरा देखें और इसका दामन देखें कितना प्यारा, खूबसूरती से इतना प्यारा एम्ब्रॉयडरी पे। तो ये देखा आपने, ये था क्रीम कलर मेरा ड्रेस नंबर 1। इस पर अब मैं शलवार लूँ, ट्राउज़र लूँ, टाइट्स लूँ, जीन्स लूँ, ये मेरी मर्जी है, अपनी मर्जी पे लूँगी। लेकिन ये शर्ट्स मैंने मंगवाई हैं, तो देखिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी। इसका गला आप चेक करेंगे गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और इस पर एप्लिक का भी वर्क है, ये देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे तो मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ड्रेस नंबर 2 की तरफ। गाइस तो देखिए, ये है मेरा ड्रेस नंबर 2, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और ये देखिए, ये है सी ग्रीन कलर पे। और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सा ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि कौन सा ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा कलर अच्छा लगेगा। ये देखें गाइस, इसका गला कुछ इस तरह से, यहाँ पे पाइपिंग है, गोल गला है, गोल गला नहीं बल्कि बोर्ड गला है। जैसे कि ये तो हल्का सा बोर्ड गला है, लेकिन ये खुला बोर्ड गला है ना, ये देखें बोर्ड गला है। और इसके अलावा ये देखें, यहाँ पे इसके टसल्स लगे हुए हैं जैसा मेरा नेल पेंट है, और उसी तरह के ये इस ड्रेस का कलर है। तो इसका दामन देखें, मतलब ओवरऑल ये फुली एम्ब्रॉयडरी पे है। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है गाइस के बस सब मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी ड्रेस नंबर 3 की तरफ। तो ये देखें गाइस, ये है मेरा ड्रेस नंबर 3। ये डेनिम है इसका फैब्रिक, डेनिम जीन्स वाला कपड़ा। और उसके अलावा देखें इसका कलर, और उसके अलावा इसका गला देखें, ये हल्का बोर्ड गला है। और यहाँ पे देखें इसके बीट्स लगे हुए हैं माशाल्लाह से, फुली एम्ब्रॉयडरी पे है। मैंने हर एक चीज़ एम्ब्रॉयडरी पे ली है ना। ये देखें इसका फ्लेयर चेक करें माशाल्लाह से, इतने मुझे ड्रेसेस अच्छे लगे थे ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए पहन के कितनी प्यारी लगने वाली हूँ मैं तो यही सोच रही हूँ कितनी प्यारी लगूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जीन्स के साथ वेयर करूँ, लेकिन आप मुझे सजेस्ट करें क्या पहनूँ मैं इसके साथ। इसके साथ टाइट्स अच्छी लगेंगी या जीन्स अच्छी लगेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे मेरे 3 ड्रेसेस। अब आते हैं अपनी ड्रेस नंबर 4 की तरफ, जो है मेरा लास्ट ड्रेस, वो है कुछ पर्पल कलर का। और ये देखें, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये वी गला बना हुआ है इसका। और इसके स्लीव्स सिंपल हैं, मैंने कहा कुछ चीज़ें सिंपल भी ले ली जाए। तो ये देखें इसका गला माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको ज़रूर बताना है कि कौन सा कलर मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा। तो ये देखें, ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। इसका मैं दामन आपको चेक करवाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था। ये देखें इसके टसल्स देखें,
माशाल्लाह से गाइस इतने प्यारे ड्रेसेस हैं और मेरा तो दिल आ गया था ना इन पे। मैंने सोचा था कि मुझे लेने हैं तो बस यही ड्रेस लेने, काफी ड्रेसेस मैंने देखे लेकिन उसमें से मुझे यही पसंद आए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे और आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। और अगर आपने एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको मेरे ड्रेसेस कैसे लगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे लेकिन फिर भी आपकी कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट्स क्या करें, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अगर किसी का कमेंट मुझसे मिस भी हो जाता है तो उसके लिए हाथ जोड़ के विनती करूँगी आपसे, आप नाराज़ नहीं हुआ करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जब मैं रात को सोती हूँ तो सोने से पहले मैं यही काम करती हूँ कि सबसे पहले अपने यूट्यूब के, टिकटॉक के, मतलब जितने भी कमेंट्स हो सकते हैं मैं रीड कर लेती हूँ और उसके अलावा किसी को रिप्लाई करती हूँ मैं। तो अगर किसी का कमेंट मुझसे मिस भी हो जाता है तो प्लीज़ आप नाराज़ नहीं हुआ करें। आप लोग ना जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने जितने भी ड्रेसेस लिए हैं मैंने दिल से लिए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और मैंने कहा था कि इस बार रेड कलर कम लूँगी। आप देखते हैं कि मुझ पर हर वक्त रेड कलर का ड्रेस होता है क्योंकि रेड इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट कलर। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेड कलर के ड्रेसेस कम लूँ और उसके अलावा जो भी मतलब ड्रेसेस हैं अलग अलग कलर्स के लूँ तो मैं कोशिश करूँगी। और मैंने अभी एक और ऑर्डर दिया है, वो भी मेरी शर्ट्स आने वाली हैं, कुर्तीज़ हैं, कुछ फ्रॉक्स हैं, वो भी आने वाला है। जैसे वो मेरा पार्सल रिसीव होगा मुझे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये जो मेरे ड्रेसेस थे वो बताएगा कि आज आपको कैसे लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। और लास्ट में भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें यार। क्यों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।